भाई मैं संन्यास ले रहा हूँ भाई, मैं बेंटन से संन्यास ले रहा हूँ भाई, बहुत हो गया भाई, मैं तो चला गया। वेल तो हेलो यार गाइस, आज ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस वाली वीडियो में हम लोग बेंटन से रिलेटेड ऐसे कुछ फैन थ्योरीज देखने वाले जिसे सुनकर तुम लोग भी बोलोगे ये तो टट्टी है। सीधा सीधा बताऊं तो आज इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेंटन से रिलेटेड टॉप 5 फनी फैन थ्योरीज, और मैं सच बताऊं तो इस वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और हम लोग इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेल तो सबसे पहला थ्योरी है बेंटन और जनरेटर रेक्स के क्रॉसओवर इवेंट से। मैं वेंजेंटन की बात नहीं कर रहा, बेंटन जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ। वेल तुम्हें तो पता ही होगा कि इसी क्रॉसओवर के अंदर बेन पहली बार शॉक स्क्वाश में ट्रांसफॉर्म होता है, तो इस थ्योरी के अनुसार शॉक स्क्वाश कोई एलियन नहीं है बल्कि एक ईवो है जिसे अल्टीमेट्रिक्स ने स्कैन कर शॉक स्क्वाश बना डाला। ये थ्योरी सोचने से पहले इस बंदे ने कौन से सस्ते नशे किए थे भाई, मतलब कुछ भी। मैं इस बारे में और सोच भी नहीं सकता, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, और बढ़ते हैं अगली थ्योरी की ओर। वेल तो अगली थ्योरी के अनुसार बेंटन शो के शुरू में बेन का उम्र 9 साल था, क्या मतलब चल क्या रहा है इधर। और इस बंदे ने इस थ्योरी के पीछे क्या रीजन दिया है सुनो, बेन का ओमनीट्रिक से जब घोस्ट पिक निकल जाता है तो बेन के पास सिर्फ 9 एलियंस बचते हैं। इसका मतलब क्या, बेन 10 की जगह बेन 9 हो गया, इसलिए बेन का उम्र कितना हुआ, 9। ओ भाई मारो मुझे। दुख की बात यह है कि आपका प्यारा बेंजी अंटेन इस थ्योरी के पढ़ने के बाद 9 साल के लिए कोमा में था और अब 9 साल बाद आगे। वेल अब अगला थ्योरी सुनो, अगले थ्योरी के अनुसार बेंटन क्लासिक में जब बेन के सामने ओमनीट्रिक्स गिरता है, वो असल में कोई ओमनीट्रिक्स नहीं था, वो एक मीटियोरॉयड था, और इस मीटियोरॉयड गिरने की वजह से हमारा बेन कोमा में चला जाता है। और ये बेन को जो ओमनीट्रिक्स मिला, बेन ने इतने सारे विलेंस से लड़ाई की, आगे जाकर हीरो बना, ये सब कुछ बेन के सपने के अंदर हो रहा है। भाई मैं संन्यास ले रहा हूँ भाई, मैं बेंटन से संन्यास ले रहा हूँ भाई। संन्यास लेने से पहले आखिरी दो थ्योरीज बता के जाओ ना, मजा आ रहा है। अब जब बोल ही रहा है तो बता कर ही जाता हूँ। तो तुम लोगों ने ऐसा कई बार नोटिस किया होगा कि बेंटन क्लासिक और ओमनीवर्स में एक सीरियस इंटेंस मोमेंट के बीच में बेन का ओमनीट्रिक्स कई बार रिचार्ज मोड में चला जाता है, तो इस थ्योरी के अनुसार ऐसा सेलेस्टियल सेपियंस करते हैं ताकि बेन का लाइफ और भी ज़्यादा हार्ड हो जाए और वो लोग इससे मजा ले पाए। भाई बहुत हो गया भाई, मैं तो चला गया। 2000 years later. Okay, ये लास्ट थ्योरी है और इसके बाद मैं चला यहाँ से, मेरा सिर चकरा रहा है सब पर। बाय द वे लास्ट थ्योरी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, इसीलिए अगर मम्मी ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज मत देखो। तो बाय द वे लास्ट थ्योरी के अनुसार बेन और गोयन सीक्रेटली दोनों भाई बहन है, यानी कि सिबलिंग्स, जिनके पेरेंट्स है कार्ल और नेटली। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कार्ल बेन का बाप है और नेटली गोयन की माँ। और यहाँ पर इस बंदे ने कहा कि कार्ल एक हिप्पी होने की वजह से वो दो बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, और हिप्पी का मतलब है मादक सेवी, ठीक है। इसीलिए कार्ल का दो बच्चे होने के बाद कार्ल और नेटली अलग हो जाते हैं, और नेटली जाकर कार्ल के बड़े भाई यानी कि फैंक से शादी कर लेता है। और फैंक एक इन्फर्टाइल होने की वजह से, बाय द वे इन्फर्टाइल का मतलब है कि फैंक कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, फैंक एक इन्फर्टाइल होने की वजह से वो लोग गोयन को एडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा क्यों पढ़ा मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दिस थ्योरी वॉज द मोस्ट चूतीएस्ट थ्योरी आई हैव एवर रीड। भाई मेरा सिर गर्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चले जाओ भागो।